नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेन ज्ञान में। दोस्तों, मैं एक और लेके आया हूँ कंपैरिजन वीडियो, जो कि है राजेंद्र नगर पटना राजधानी एक्सप्रेस और संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस की। दोस्तों, ये दोनों ट्रेन ही सबसे फास्टेस्ट ट्रेन मानी जाती है इस रूट की। पहले राजेंद्र नगर पटना राजधानी, उसके सेकेंड नंबर पर संपूर्ण क्रांति को ही लिया जाता है। और ये दोनों मोस्ट पॉपुलर ट्रेन या प्रायोरिटी ट्रेन कहा जाए इस रूट के लिए, तो कोई गलत नहीं है। तो आज हम दोनों की कंपैरिजन वीडियो बात करने वाले हैं। वैसे तो मैंने इसके लिए दो अलग अलग वीडियोस बना के रखी हुई है, अगर आपको चेक देखनी हो तो ऊपर आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को फटाफट दोस्तों, जल्दी से। तो पहले हम बात करेंगे दोस्तों पटना राजधानी एक्सप्रेस की। तो ट्रेन ऑपरेट करती है 12309/30। ये ट्रेन थी दोस्तों, स्टार्ट हुई थी 1996 और 1997 के रेल बजट में इसको स्टार्ट किया गया था। ये ट्रेन जो है दोस्तों, एक डेली ट्रेन है जो कि राजेंद्र नगर जो पटना में पड़ता है, पटना स्टेशन से हार्डली 2 से 3 किलोमीटर होगा, वहाँ से ये ट्रेन न्यू दिल्ली के बीच चलती है। तो दोस्तों, ये फास्टेस्ट ट्रेन मानी जाती है इस रूट के लिए, क्योंकि जो सबसे कम टाइम लेती है ये न्यू दिल्ली से पटना के बीच। अब आते हैं दोस्तों संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस पे। तो ट्रेन ऑपरेट करती है 12393/94। ये एक सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है जो कि न्यू दिल्ली से राजेंद्र नगर पटना बिहार में पड़ता है। ये ट्रेन जो स्टार्ट हुई थी दोस्तों, ये हुई थी 17 फेब करीब ऐसी कुछ 2002 में। ये जो ट्रेन है दोस्तों, दोनों ट्रेन ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन द्वारा देखरेख करी जाती है। अब आते हैं पटना राजधानी एक्सप्रेस के डिस्टेंस ट्रैवल पे। तो ये करीबन डिस्टेंस ट्रैवल करती है 1002 किलोमीटर का। इसको जो जर्नी टाइम लगता है वो लगता है 11 आवर 45 मिनट्स। इसके करीबन दोस्तों 4 स्टॉप्स हैं। अब आते हैं दोस्तों संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस के डिस्टेंस ट्रैवल पे। तो ये करीबन सेम डिस्टेंस ट्रैवल करती है 1002 किलोमीटर का, बट इसे टाइम लग जाता है दोस्तों 13 घंटे 50 मिनट। तो कहा जाए तो 1.5 घंटे से ऊपर इसको टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है सेम डिस्टेंस को कवर करने में। जबकि इसके स्टॉप्स की बात करो तो इसके करीबन 3 ही स्टॉप्स हैं पूरी जर्नी में, जबकि पटना राजधानी के 4 स्टॉप्स आते हैं। उसके दोस्तों क्लासेस की बात करूँ या रेक्स की बात करूँ तो दोनों में LHB रेक्स शेयर होते हैं। तो पहले बात करता हूँ पटना राजधानी एक्सप्रेस में, तो इसमें दोस्तों LHB रेक शेयर होते हैं, जिसमें से फर्स्ट AC का कोच, सेकेंड AC, थर्ड AC, पेंट्री कार और 2 EOG का यूज़ होता है। उसके बाद दोस्तों बात करूँ मैं संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस की, तो इसमें दोस्तों LHB रेक सेम रेक यूज़ होता है। इसमें एक फर्स्ट AC कम सेकेंड AC का कोच होता है, एक सेकेंड AC का, थर्ड AC का, स्लीपर क्लास, जनरल अनरिजर्व, पेंट्री कार और 2 EOG का यूज़ होता है। दोस्तों संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस जो है, उसे अगर जनता ट्रेन या आम लोग की ट्रेन कहा जाए तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि एक तरीके से आपको मान के चलो पटना किराया अगर राजधानी में जाते हो तो आपको थर्ड AC किराया 2000 कुछ का पड़ेगा, फ्लेक्सी फेयर छोड़ के। नॉर्मल फेयर जो है, बेस फेयर 2000 कुछ का पड़ेगा। तो वही संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस में अगर आप स्लीपर कोच में जाना चाहते हो तो आपका किराया आई थिंक सो 500 या 600 समथिंग पड़ेगा, और थर्ड AC का किराया 1200-1300 रुपये पड़ेगा। तो अगर देखा जाए तो इसे आम जनता ट्रेन या फिर कहा जाए, क्योंकि फास्टेस्ट ट्रेन है और कम पैसे ले रही है, करीबन 13 घंटे में ये आपको पटना पहुँचा रही है, क्योंकि राजधानी के बाद दूसरी ट्रेन यही है जो सबसे ज़्यादा इसको प्रायोरिटी मिलती है इस रूट पर पटना वाले सेक्शन पे, और सबसे जल्दी पहुंचाती है। तो खैर, ये तो कुछ उसकी बात थी। अब आते हैं दोस्तों ऑपरेटिंग स्पीड पे। तो पटना राजधानी की ऑपरेटिंग स्पीड है दोस्तों 82 km/h मिनिमम इंक्लूडिंग हॉल्ट, और 130 km/h मैक्सिमम, जबकि संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस की है 70 km/h मिनिमम इंक्लूडिंग हॉल्ट और मैक्सिमम है 130 km/h। रूट्स या हॉल्ट की बात की जाए दोस्तों, तो राजेंद्र नगर टर्मिनल से निकल के, ये बता रहा हूँ मैं दोस्तों पटना राजधानी का, पटना जंक्शन पहुँचती है, फिर पटना से निकल के मुगलसराय, फिर अलाहाबाद, फिर कानपुर सेंट्रल होते हुए न्यू दिल्ली पहुँचती है। जबकि संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस जो है, राजेंद्र नगर टर्मिनल से निकल के पटना जंक्शन, मुगलसराय, कानपुर सेंट्रल होते हुए न्यू दिल्ली पहुँचती है। लोकोमोटिव की बात की जाए दोस्तों, तो राजेंद्र नगर पटना राजधानी में गाजियाबाद शेड का वेब सेवन का लोकोमोटिव यूज़ होता है फॉर एंटायर जर्नी के लिए, जबकि संपूर्ण क्रांति में दोस्तों कानपुर शेड का वेब 4 का लोकोमोटिव यूज़ होता है। अब आते हैं दोस्तों टाइमिंग पे। तो पहले आते हैं दोस्तों पटना राजधानी पे। तो 12309 जो है राजेंद्र नगर पटना से शाम में 7 बजे निकलती है,
और अगले दिन न्यू दिल्ली 7:45 पे पहुंच जाती है, और 12310 जो है न्यू दिल्ली से शाम में 5:15 पे निकलती है, और अगले दिन राजेंद्र नगर टर्मिनल सुबह 5:30 पहुंच जाती है। 12393 जो है वो राजेंद्र नगर टर्मिनल से, ये बता रहा हूँ मैं संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस की, ये जो टर्मिनल से करीबन 5:35 पे शाम में निकलती है, और अगले दिन न्यू दिल्ली 7:50 पे पहुंच जाती है। 12394 जो है वो न्यू दिल्ली से हर शाम में 5:25 पे निकलती है, और जो राजेंद्र नगर टर्मिनल पहुंचती है सुबह 7:35 पे। तो सर ट्रेन की कुछ खास बात भी है, तो वो अगर आप चाहोगे तो मैं एक एक्स्ट्रा वीडियो बना के उसमें बता सकता हूँ दोनों ट्रेन की कुछ खास बात। तो दोस्तों आज आपने जाना, कंपेरिजन जाना राजेंद्र नगर पटना राजधानी एक्सप्रेस और संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस की, और दो कुछ डिटेल्स भी आपने इसके अंदर जानी, जैसे वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, कि कौन से रूट पे चलती है, क्या उसका एवरेज स्पीड है, क्या हॉल्ट्स हैं, ये सब की जानकारी आपने इस वीडियो में हासिल की है। तो दोस्तों